हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञानी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भवकार प्रश्न का पार्ट 5। जी हाँ दोस्तों, भवकार प्रश्न का पार्ट 5 आपके बीच लाया हूँ। आइए देखते हैं भवकार प्रश्न में कौन कौन प्रश्न है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। कौन? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दोस्तों, नील दर्पण के लेखक जो है दीन बंधु है। कौन? दीन बंधु नील दर्पण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा बाई फूले ने की। कौन? ज्योतिबा बाई फूले के फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, कराची अधिवेशन जो हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। कौन? तिरंगे काले झंडे दिखाए गए थे। किसको? महात्मा गांधी को। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। दोस्तों, ये था आज का भवकाल प्रश्न पार्ट 5 का 5 क्वेश्चन, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।